दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप 6 महीने के पहले कोई भी कंपनी अगर आप छोड़ रहे हो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, या आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप 6 महीने के पहले कंपनी को छोड़ रहे हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें सीधा सा पहले क्लियर होता है कि अगर आप 6 महीने के पहले अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो तो आपका वो एक्सपीरियंस लेटर रिलेवेंट नहीं होता, यानी कि वो एक्सपीरियंस लेटर नेक्स्ट कंपनी अग्री नहीं करती है अगर आप मंथ के पहले छोड़ रहे हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, 90% जो कंपनी हैं आपकी, वो आपका 6 महीने के लिए जो एक्सपीरियंस लेटर आपका होता है वो काउंट नहीं करती हैं और वो ना काउंट करना चाहती। इसमें पहला डिसएडवांटेज एक ये होता है। और दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब भी आप किसी नेक्स्ट कंपनी में स्विच कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपके लिए HRM से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि आपने 6 महीने में क्यों छोड़ दी। अगर प्रीवियस आपने भी 1-2 साल में और भी 1-2 कंपनी अगर छोड़ी हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपने पिछली कंपनी भी 1 साल में छोड़ दी, ये कंपनी आप 6 महीने में छोड़ रहे हो, कि ऐसा क्या रीज़न है, या उस कंपनी में आपको क्या नहीं मिला, सैलरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट। तो वहाँ पे हम लोगों को लिए वो जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसमें दूसरा एडवांटेज ये होता है। एंड दोस्तों जिसमें जो थर्ड डिसएडवांटेज है इसका, देखो जब हम किसी रिज्यूमे में अपना डालते हैं ना, अपना बायोडाटा डालते हैं कि हाँ मैंने 2 साल इसमें काम किया, 3 साल इसमें, 1 साल इसमें, 6 महीने इसमें, तो जो 6 महीने आप मेंशन करते हो वहाँ पे ना अपने CV में या रिज्यूमे में वहाँ पे मेंशन करते हो ना, तो वो एक छोटी सी वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका बायोडाटा वो ख़राब होता है, आपका CV वो ख़राब होता है जब भी आप 6 महीने के लिए वहाँ पे कोई भी कंपनी हो, आप वहाँ पे XYZ कोई भी कंपनी हो वो आप वहाँ पे 6 महीने के लिए मेंशन करते हो। तो ये जो मेन 3 मेजर डिसएडवांटेज है ना, वो चीज़ें आपके करियर की ग्रोथ को रोक सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जहाँ भी अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट अगर आपने 6 महीने वहाँ पे निकाल दिए हैं तो 6 महीने और निकाल के एटलीस्ट 1 साल वहाँ पे आप रुको, ताकि आपका रिज्यूमे ख़राब ना हो, आपका जो करियर ग्रोथ है वो भी हैम्पर ना हो, वो भी इजीली चलती रहे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर इन 3 मेजर पॉइंट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 6 महीने के पहले कंपनी छोड़ सकते हो। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।